प्रदेश कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर मनपा चुनाव बहुसदस्यीय पद्धति से कराने के मंत्रिमंडल के फैसले का विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किया है। इसमें 3 सदस्यीय के स्थान पर 2 सदस्यीय प्रभाग की मांग की गई। बहरहाल अब कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष इस संदर्भ में बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस संदर्भ में फैसला कर लिया है, अब कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से जनता के बीच जाकर फैसले का विरोध करेगी। वे इस संदर्भ में अब मुख्यमंत्री से भी चर्चा नहीं करेंगे। सुरुवातीला सांगितलं होतं की काँग्रेस पक्षाच्या वतीने जनभावना आणि लोकप्रतिनिधींच्या भावना ज्या महानगरपालिका नगरपालिकेमध्ये निवडणूक लढतात त्यांच्या भावना काँग्रेस पक्षाच्या वतीने सरकारकडे आम्ही मांडलेल्या होत्या। सरकारला जे काही योग्य वाटलं त्याप्रमाणे त्यांनी केलं असेल, पण मी त्या दिवशी अजून एक गोष्ट क्लिअर केली होती की जी काही निर्णय येतील त्याला लोकशाही पद्धतीने आम्ही लढू। उल्लेखनीय है कि प्रदेश कांग्रेस द्वारा 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति का विरोध करने के बाद कई शहर कांग्रेस कमेटियों ने भी इस संदर्भ में प्रस्ताव पारित किया है। अपेक्षा थी कि कांग्रेस के विरोध से सरकार पर दबाव पड़ेगा। कैमरा पर्सन मामकल के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।